मैं हेलो, कैसी हो आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ओके, तो कैसा चल रहा है टाइम कोरोना में? मैं तो बस घर में ही रह रहा हूँ। और मैं सही बताऊँ तो मैं 19 मार्च के बाद घर से निकला ही नहीं हूँ। अरे बाप रे, क्यों? मतलब कहीं गए ही नहीं हो? कुछ नीचे भी नहीं उतरे घर के? नहीं, घर के नीचे भी नहीं उतरा हूँ क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन का पालन करना था। और मुझे लग रहा था कि अगर हम लोग नहीं पालन करेंगे तो कौन करेगा, और उसी में हमारी भलाई भी है सबकी। या सही बात है। तो मैं निकला ही नहीं, अभी ओके तो लगभग 65-70 दिन हो गए, आप देख रहे हो। बाल कटिंग। सो आपकी बेटी से आप अपने हेयर कट करवा लेते हैं अलग ही स्टाइल हो सारे, जाएगा। मतलब सारे सारे सेलेब्स जो कर रहे हैं ना आजकल, अपने वाइफ से या अपने पापा से या मम्मी से, तो आप अपनी बेटी के साथ अपने वीडियोस बनाते रहते हो, मतलब टिकटॉक पे, तो आप जी भी हेयर कटिंग करवा लेते हैं, कुछ न्यू स्टाइल आ जाता है हेयर नहीं, मैं का तो बच्चे लोग का मैं बाल काट देता हूं, बट उनसे मैं कटवाने का रिस्क नहीं ले सकता हूं। हे भगवान, कैसी बात है बताओ इंसल्ट कर दिया। ओके, सो फिर क्या लगता है आपको, कब तक स्टार्ट होगा हमारा इंडस्ट्री? मुझे लगता है कुछ तो अभी न्यूज आ चुका है। आज ही मैं सुन रहा था कि कुछ शॉर्ट अपना फिल्म और सीरियल के लिए कुछ गाइडलाइन आई है शूटिंग करने के लिए। और मुझे लगता है कि हम लोग की शूटिंग के लिए कम से कम जून जुलाई, जून तो चल ही रहा है, जून के बाद ही जुलाई में ही कुछ आएगा फैसला, क्योंकि जब तक ये जुलाई में आएगा? बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन जुलाई के बाद तो जुलाई अगस्त ये सब बारिश ही होती है ऑलरेडी, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग शूटिंग नहीं ही करते हैं। तो शूटिंग तो मुझे अब सितंबर में ही दिख रही है, सितंबर अक्टूबर में। बारिश के बाद हाँ ठंड में हाँ ओके, बेस्ट टाइम भी तो तो वही चलिए होता आपके है ना शूटिंग क्वेश्चन। के लिए। जी हाँ बोलिए। जी हाँ, वो तो होता है, बारिश में वैसे भी लोग ज्यादा शूट नहीं करते हैं, तो करेक्ट। चलिए, तो आपके क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट हैंग थैंक यू। अच्छा, ये नाम ओवर क्यों हैंग ओवर? अच्छा, ये हैंगओवर नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि मैंने आपको जब भी मैसेज किया है या कॉल किया है, तो कभी स्विच ऑफ होता है या कभी रिप्लाई आता नहीं है 12-1-2 बजे के पहले से। जी हाँ। इस वजह से आपका नाम हैंगओवर पड़ा है और मैं आपको बता आप दूं कि वो, और वो आज आप समझ जाइए क्यों आज मैं आपके साथ लाइव आने के लिए जल्दी उठा हूं। तो कितना जल्दी उठे हो, 4 बजे? 4 बजे ही ऑलमोस्ट, मैं 3 बजे के बाद ही उठता हूँ, 4 बजे, 4:30 बजे। नहीं, मतलब 65 दिन में आपने कितनी नींद ली होगी, सोचो। वैसे जनरली मेरा वही रूटीन है, लेट नाइट सोता हूँ और लेट उठता हूँ। ओ वाह, मजे है आपके तो। लेकिन लेकिन ऑफिस टाइम 6 से फिर रात को 12-1 बजे तक होता है। घर में भी ऑफिस चलाते हो आप? हाँ, शाम को 6 क्या बजे से करते हो? अभी जो कर सकते हैं ऑनलाइन डिस्कशन, जैसे अभी कुछ आगे जो प्रोजेक्ट्स करने हैं, जो फिल्में करनी है उसपे हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, जो राइटर्स हैं, उनसे डिस्कशन, और कुछ जो गाने हैं हाँ, उनका मैंने बनाने सुना हैं। है, तो दो जी तीन स्टोरीज रेडी हो चुकी है, बहुत सारी। वेरी नाइस। तो खाली बैठे हैं तो ये काम तो कर ही सकते हैं। हमारे पास तो वो भी काम नहीं है ये काम है ना, इससे अच्छा का क्या है? आप जो अभी कर रही हो ये बहुत अच्छा काम है, सब लोग एंटरटेन ये होते हैं। तो है, ये और तो है। पहले पहले क्या हो रहा था पता है मेरे साथ? मतलब आज एक दिन लाइव आई, एक दिन छोड़ा, फिर नेक्स्ट डे लाइव आना है, ठीक है? तो सोती थी, उठती थी, बैठती थी, खाती थी, दिमाग में सिर्फ क्वेश्चन घूम रहे थे, अब क्या करे, अब क्या करे, अब क्या पूछू, अब क्या पूछू, ऐसे हो रहा था। सो मैंने 2-2 दिन का गैप ले लिया, नहीं तो मैं पागल हो जाती। नहीं, अच्छा है, वो थोड़ा गैप रहेगा तो आपको भी तैयारी के लिए टाइम मिलेगा, प्रिपेयर होने के लिए। हाँ, आई डोंट थिंक यू मेरे चलिए लिए तो क्या प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, किया स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट है। करते हाँ हैं, हाँ हाँ नहीं तो पता नहीं 2-2 2.5-2.5 घंटे चल जाते हैं मेरे। जी जी जी
सो सबके साथ पहले फेवरेट चॉइस आपकी जो है, हम सबसे वही पूछते हैं पहले, क्योंकि आपकी फेवरेट चॉइस हमें जाननी है. फेवरेट एक्टर? अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन जी. जी, बचपन से फेवरेट ही। एक्ट्रेस? बचपन से एक्ट्रेस. फेवरेट एक्ट्रेस फेवरेट मेरी रही है, मतलब बहुत शुरू से ही, ऐश्वर्या राय जी। ऐश्वर्या जी. फेवरेट जी मूवी? फेवरेट मूवी मेरी है, बहुत सारी है। एक तो बताओ कोई अच्छी जो आपको बहुत अच्छी लगती है. भाग मिल्खा भाग, भाग मिखा भाग. तो भाग बहुत सारी परवेश है। भाग कब भाग बनेगा? भाग प्रवेश भाग, नहीं ये नहीं बन सकता सॉरी, क्योंकि प्रवेश प्रवेश. भाग खेसारी भाग बन चुका है, तो ये अभी या कैसे बनेगा। नहीं तो होम प्रोडक्शन भाग निरहु भाग कब आएगा? नहीं, भाग निरहु भाग नहीं आएगा। भाग खेसारी भाग, वो जो टैग है वो खेसारी जी के साथ टाइटल? उसका टाइटल, वो टैग भाग चला खेसारी। गया. अब आएगा दोबारा भाग खेसारी भाग दोबारा भाग, फिर ये आएगा भाग ऐसा खेसारी तिबारा भाग। अच्छा ओके. फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग पवन जी का एक गाना है जो प्रतिज्ञा फिल्म में था, वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। भगवान कौन सा? बड़ी फुर्सत से तोरा के बनौले बारे। बनवले वाले? जी ओ या मतलब वो पहले प्रतिज्ञा वाला ना, जी फर्स्ट जी पार्ट. जी जी प्रतिज्ञा टू। संभावना शेख दीदी ने लिखा है. काजल जी और परवेश जी को नमस्कार. थैंक यू सो मच दी. नमस्ते नमस्ते हेलो नमस्ते, देव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार देव जी, देव जी. देव सिंह जी, देव सिंह अच्छा ओके. हाय देव. हाय. ओके जी। सो फेवरेट डिश खाने में क्या पसंद करते हो? भैया भी जुड़े हुए हैं, बोल रहे हैं गा के गा के बताइए। सुनाई है, चल रही है, गाई है. भैया का आदेश. नोठवा तोहार जैसे भोर के किरनिया, अखिया में प्यार के समाइल बदुनिया, बिंदिया बुझाला ऐसे जैसे चांद सजवले बड़े हैं, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। थैंक यू सो थैंक यू। ओके. फेवरेट, जैसे कि आप क्रिकेट में आप बहुत आपका दिलचस्प, आप क्या बोलते हैं कि आप बहुत मानते क्या हैं और पसंद आपको करते हैं? लाइक करते हैं, आप यस पसंद करते हैं, तो आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर सचिन जी. जी। शुभी हाय. शुभी जी ऑनलाइन आ गई है. ओके हेलो सुभी जी, कैसी हैं सो आप? प्रदीप जुड़ चुके हैं। हेलो प्रदीप, कैसे हो? प्रदीप. प्रदीप हाँ, मेरा भतीजा है। अच्छा ओके. हाय प्रदीप. ओके सो आपके क्वेश्चंस से हम स्टार्ट करते हैं, फिर बीच में जी कुछ गेम्स होंगे जो आपको ना सच सच बताना है. ठीक है, जी झूठ नहीं बोलना. सच मुझे पता है इसलिए बता रही हूँ. क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। अगर आपने झूठ बोला तो हम सच बता देंगे. ठीक है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत आपके कोलकाता के जीवन से करते हैं. आप बचपन में बहुत चालाक थे. जी पिताजी जो भी खाने पीने का सामान लेकर आते थे, आप उसका आधा पहले खा लेते थे और जो आधा बचता था उसमें आप अपने बड़े बड़े भाई से आधा हिस्सा भी लेते थे. क्यों? हाँ, ये तो सच है, और इसके पीछे जो कहानी है मैं उससे भी पीछे चलता हूँ। जब मैं गांव में रहता था तो मेरे पिताजी कलकत्ता में रहते थे और भैया उनके साथ रहते थे, पढ़ाई करते थे वहां पे, और मैं माँ के साथ गांव में रहता था। तो जब भैया आते थे तो मुझे बोलते थे कि अरे चलो वहां पे
इस बार ना, इस बार तुम मानना मत। मैं क्योंकि बार बार जब पिताजी आते थे, मैं बोलता था कि मैं भी चलूंगा, तो बोलते थे कि अरे तुमको कॉपी खरीद दे रहा हूँ, थोड़ा कपड़े खरीद दे रहा हूँ, अभी तुम यहाँ पे पढ़ो। क्योंकि वो भी सोचते थे कि माँ के साथ भी एक आदमी को, एक बेटे को रहना चाहिए, तो वो ऐसा सोचते थे। तो मैं बार बार मान जाता था। तो फिर वापस आए भैया, बोले कि ऐसा वहां पे ना ऐसे अंगूर लटकाए रहता हूं मैं, घर में ना पूरा अंगूर लटका रहता है, और मैं ऐसे डायरेक्ट मुंह से खाता हूँ, सेब लटका रहता है, ये वो। फिर तो मैं बोला कि मैं भी चलूंगा। तो बोले कि लेकिन इस बार पिताजी कुछ भी बोले मानना नहीं तुम। तो मैं बोला ठीक है। और जब इस बार छुट्टी हुई, पिताजी की जब छुट्टी खत्म हुई, गर्मियों की छुट्टी में आते थे, तो जब जाना हुआ तो मैं एकदम नट गया कि नहीं मैं भी चलूंगा अब तो। और बोले नहीं मैं ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। मैं बोला नहीं मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, मैं लोट लोट के रोने लगा। फिर पिताजी मुझे वहां पे लेके गए, और जब लेके गए तो हम लोग खेलते थे साथ में, मैं और भैया और लोग भी साथ में खेलते थे। तो शाम को 4 बजे जब पिताजी की छुट्टी होती थी, तो कुछ आते थे जरूर, डेली कुछ ना कुछ लेके आते थे। तो मैं अभी अगर भैया बैटिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो मैं भाग के आ जाता था तुरंत, जैसे विसिल बजता था भाग के आता था, और जो लाए रहते थे उसमें आधा खा लेता था, और उसके बाद फिर वापस जाता था, और बोलता था चलिए पिताजी ये चीज लाए हैं, अंगूर लाए हैं। तो बोलते थे कि अच्छा चलो, तो हम लोग जाते थे, फिर उसमें आधा आधा खाते थे हम लोग। तो मीन्स भैया को पता चल जाता था कि मीन्स आप ये करते हो। नहीं वो तो जब हम लोग बड़े हो गए, मैंने बताया, तब पता चला होगा शायद उनको। उस टाइम तो पता चलता तो बहुत मारते ओके मुझे। उस टाइम पता नहीं चलता था। ओके।